हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रॉपर एजुकेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम लोग वैक्यूल और रिबोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं वैक्यूल का। एनिमल सेल में कुछ ऐसा होता है, ये हमारा वैक्यूल होता है छोटा सा, और बीच में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में 50-90% स्पेस वैक्यूल कवर करके रखता है, और ये जो न्यूक्लियस को जो है ये सेंटर में ढकेल देता है, यानी कि इधर इस साइड में ढकेल देता है। अब हम लोग इसके कुछ फंक्शंस के बारे में देखते हैं। फंक्शंस देखते हैं इसके। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल जो है स्टोरेज सैक होता है किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, यानी कि अभी हमने देखा था कि स्मॉल साइज होता है किसमें? एनिमल में। लेकिन प्लांट में क्या होता है? वेरी लार्ज वैक्यूल होता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप। जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो सेल सैप से फुल होता है, और प्रोवाइड टर्जिडिटी, और जो प्रोटेक्ट देता है और प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। और किसको प्रोटेक्ट करता है? सेल को। इट स्टोर्स इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक अमाइनो एसिड, सुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। और ये क्या स्टोर करके रखता है? इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को। कौन कौन से हो गए? अमाइनो एसिड हो गया, सुगर हो गया, और ऑर्गेनिक एसिड हो गए, और हमारे कुछ प्रोटीन्स के। तो अब हम रिबोसोम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं रिबोसोम्स में होता क्या है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रोमेनियम सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज प्लेड। यानी कि पहली बार डिस्कवर किया था किसने किया था? जॉर्ज प्लेड ने। द टर्म रिबोसोम्स वॉज प्रपोज बाई, और जो टर्म यानी कि इसको जो नाम दिया गया था वो किसने दिया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट ने। कब? 1958 में। फिर आगे देखते हैं। इट इज़ अ स्मॉल डेंस फंक्शनल स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल। यानी कि ये सेल में पाया जाता है, और ये बहुत ही स्मॉल इसका फंक्शन होता है। यानी कि स्ट्रक्चर इसका स्मॉल होता है, और फंक्शन ये लेकिन सही बड़ा करता है। तो बड़ा फंक्शन कौन सा है देखते हैं, आगे भी देखेंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है। और आगे देखते हैं हम। There are two pieces of subunit is in every ribosomes, और इसमें जो है हर ribosomes में दो पीस होते हैं, यानी कि दो पीस या सब यूनिट्स होती हैं इसकी। द मेन फंक्शन ऑफ रिबोसोम्स, और यही हमारा मेन टॉपिक है, जो मेन फंक्शन होता है रिबोसोम्स का उसमें क्या है? रिबोसोम्स इज दैट इज प्ले इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, और जो ये क्या करता है? प्रोटीन जो है सिंथेसाइज करता है, यानी कि प्रोटीन बनाता है। तो एक और हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं आपके साथ। जो यूकैरियोटिक सेल होता है, ध्यान से देखिएगा, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें 805 यानी कि 805 रिबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 705 यानी कि 705 रिबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले वीडियो में सेल डिवीजन, और जो हमारा एक टॉपिक भूल से यानी कि मिस्टेक से रह गया था, जो कि है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।